नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी या निर्जला एकादशी भी कहा जाता है, इसका महत्व शास्त्रों में बताया गया है कि कोई व्यक्ति यदि 24 एकादशी का व्रत ना कर सके तो केवल इस व्रत को रख कर सभी एकादशी का पुण्य प्राप्त कर सकता है। इस अवसर पर हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री एवं प्रभारी विमल द्विवेदी द्वारा एक अनूठा अभियान कुछ वर्षों से चलाया जा रहा है, जिसमें शहर के मोचियों को मिट्टी के घड़े, खाद्य सामग्री आदि वितरित की जाती है। इस पर विमल द्विवेदी ने कहा कि सनातन धर्म में दान का बड़ा महत्व है और हिंदू समाज की सभी जातियाँ हिंदुत्व का स्तंभ है, इसलिए हिंदू समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति भी गर्व कर सकें, इसीलिए ये दान उन्हें दिया जाता है जो कि हिंदुओं के बीच सामाजिक समरसता को बढ़ाने का काम करता है। इस अवसर पर मंच के जिलाध्यक्ष अजय त्रिवेदी, युवा प्रभारी मनीष अवस्थी, उपाध्यक्ष शिव सेवक त्रिपाठी, मनीष मिश्रा आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। निर्जला एकादशी के रूप में सनातन धर्म में जिस तरह से निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेन एकादशी के रूप में मनाया जाता है, इसका एक विशेष महत्व है और अपने सनातन धर्म में दान का एक विशेष महत्व है और हिंदू सनातन धर्म में सभी जातियाँ समाज का स्तंभ है। इस रूप में हिंदू जागरण मंच गत कई वर्षों से आज के दिन जो समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के लोग हैं उनमें दान और जो जिस तरह से भीषण गर्मी को देखते हुए घड़े का दान और अन्नदान लगातार किया जा रहा है, आज उसी क्रम में शहर के जितने लगभग दर्जन भर से अधिक मोची परिवारों को घड़ा व खाद्य सामग्री हिंदू जागरण मंच द्वारा वितरित की गई है। मैं आप सबके माध्यम से जनपदवासियों को, प्रदेशवासियों को भीमसेन एकादशी एवं निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और समाज से एक आह्वान करता हूं कि ऐसे जो निचली पंक्ति के लोग हैं इनका विशेष ध्यान दें, उन समाज के हमारे अंग हैं और उनको हमेशा उनके सुख दुख में हम लोग सहभागिता करें। खबरों में अब तक बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।